नहीं, अभी वापस आई हूँ। आई जस्ट कम बैक। तो मामी की कोई फिल्म मैंने देखी नहीं, पर मेरे बहुत सारे दोस्तों की बहुत सारी फिल्में हैं। आई एम एंड इट्स बीन अ ग्रैंड सक्सेस, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। एक फेस्टिवल खत्म हो रहा है, दूसरा फेस्टिवल आ रहा है, तो उसकी क्या प्रिपरेशन, दिवाली के लिए प्रिपरेशन आती है? दिवाली के लिए एज यूजुअल इट्स ऑल अबाउट फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। मेरी छोटी सी बेटी है, तो उसको पहली बार समझ में आएगा कि दिए क्या होते हैं, रोशनी क्या होती है दिवाली की। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग विद हर। दिवाली में खैर लिए काफ़ी नई चीज़ें आ गई घर में, रखने की आदत, चाहे वो ड्राइंग हो या सोना हो या कुछ, इस बार आप क्या लेके आ रहे हैं? एक नया एटीट्यूड। थैंक दिवाली विश। आई विश एवरी वन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ सेफ रहिए और ज़्यादा पटाखों से पोल्यूशन मत कीजिए। थैंक यू। कुछ फिल्म मैंने देखी, ज़्यादा हिंदी फिल्म और इंडियन फिल्म देखी मैंने, हरामखोर, पेडलर्स, एंग्री इंडियन गॉडेसेस, द थ्रेशहोल्ड, या सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंडियन फिल्म्स एक्चुअली एट द फेस्टिवल। पहले आप एज अ स्टूडेंट हो सकता है ऐसे फेस्टिवल का हिस्सा रही हो, और अब जिस तरह से ये फेस्टिवल पूरी तरह से आपने अपनी निगाहों के सामने देखा, तो क्या फ़र्क पा रही है सिनेमा? अरे बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया अभी, बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल बन गए इस साल, और आई थिंक इससे यू नो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दैट देयर इज अल्टरनेटिव सिनेमा इन इंडिया इटसेल्फ, एंड इट्स वंडरफुल दैट दैट्स बीइंग शोकेस्ड टू द वर्ल्ड। एक फेस्टिवल खत्म हो रहा है, दूसरा फेस्टिवल शुरू हो रहा है, दिवाली, आई हैव गॉट सम नाइस प्लेइंग कार्ड्स, और यू नो वी विल हैव सम फन games, and I don't blow patakas, so you know it'll be more like a quiet festival for me.